बीते हफ्ते हुई खल व्यापारी से लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से 1,04,000 रुपए नकद और एक बाइक के साथ हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी नोटोरियस किस्म के अपराधी हैं, जो आसपास के जिलों में भी लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। बता दें कि 15 फरवरी की शाम गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मुस्लिम सैजन में एक खल व्यापारी तगादे से लौट रहा था, तभी घात लगाए दो बाइक सवार बदमाशों ने खल व्यापारी को गोली मारकर उसे करीब 1,80,000 रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गईं, जिसका एसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से पुलिस ने 1,04,000 नकद एक बाइक के साथ अवैध तमंचे बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये दोनों ही आरोपी आसपास के जिलों में भी लूट चोरी जैसी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। अब इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ये दिनांक 15 तारीख को गुन्नौर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी। एक व्यापारी खल का व्यापारी था, वो अपने बाजार से पैसे इकट्ठा करके लेके आ रहा था। उसके साथ अपाचे सवार कुछ न्यूसेंस लोगों ने उसको धक्का देकर